हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का, फर्स्ट पेपर जीएस का 2016 का। इसे सॉल्व भी करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2016 पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन। चलिए तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। बायोगैस संयंत्र में से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो यह सी मैथेन। बायोगैस संयंत्र में मैथेन ईंधन के गैस के रूप में मुख्यतः उपयोग होती है। यह 50 से 75% बायोगैस का भाग होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन भी पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ कि विखंडन से यह गैस बनती है। मुख्यतः गोबर, मृत पौधों, अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग बायोगैस संयंत्र में होता है। यह नवीनीकृत ऊर्जा का साधन है और बहुत कम मात्रा में कार्बन इसके जलने से उत्पन्न होता है। यह घरों में खाना बनाने में, विद्युत तथा ताप उत्पादन में प्रयोग होती है। यह गैस वातावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपयोग में होता है? तो एक कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग रासायनिक चिकित्सा या कीमोथेरेपी के रक्त द्वारा रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया का उपचार करने के लिए किया जाता है। इस थेरेपी में रसायनों द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। यही एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो ट्रेजर की तरह उपयोग किया जाता है। सोडियम 24 एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान में, अनुसंधान के क्षेत्र में होता है। इसका अर्ध आयु कम होने के कारण इनका सीमित उपयोग होता है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर में विकार पदार्थों के रूप में निकलता है। आयोडीन 131 का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है। यह शरीर व मुख में मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो आहार नाल में पहुंचकर रक्त द्वारा थायराइड ग्रंथि में पहुंचता है तथा ग्रंथियों को नष्ट कर देता है। यह डायनोगोनेटिक इमेजिंग टेक्निक में फियोकोमोसाइटोमा व न्यूरोलास्टोमा के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। यह अस्थियों व रक्त जनक प्रणाली से संबंधित बीमारियों के इलाज में उपयोग होता है। तीसरा है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है बरेली में। ए ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इसका संक्षिप्त रूप IVRI है। इसे पहले इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला कहते थे। यह वर्तमान समय में ICAR के नियंत्रण में आती है। इसके द्वारा एंथ्रेक्स का टीका, एफएमओ का टीका, फेफड़ों के कृत्रिम का कृमि का टीका, IBQ का टीका बनाया गया। अगला चौथा देखते हैं, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? तो यह बी कैप्सेसिन की उपस्थिति। मिर्च कि तीक्ष्णता का कारण कैप्सेइसिन नामक रसायन है। लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग, गाजर और तरबूज में पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। कैरोटीन गाजर के संतरी रंग के लिए जिम्मेदार है। एंथोसाइनिन फल में, सब्जियों में पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित हैं? तो अंडे में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अनिवार्य एमिनो अम्ल वे अम्ल हैं जो शरीर में नहीं बनते और जिन्हें भोजन के साथ अनिवार्य रूप में लेना पड़ता है। मांस, मछली, लेमियम, सोयाबीन आदि अनिवार्य एमिनो अम्ल के स्रोत हैं। छठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है? तो यह दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। तो डी ऑप्शन सही है इसमें। अगला सातवां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण में ज्ञात होता है? तो इसका भाई आंसर है ए ऑप्शन सही है, 13वें
शिला लेख द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहां का राजा नंदराज था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अगला है अब सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन सॉरी। एक कब्र से 3 मानव कंगाल निकले हैं, कहाँ है? तो बी ऑप्शन है इसमें सही, दम दबा से। अगला नौवां क्वेश्चन है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग किया में लाया जाता है? तो यह है बी ऑप्शन, सैक्रोमाई सीज सेरिबैक बीसी। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाई सीज सेरिबीसी नामक कवक उपयोग में आता है। सैक्रोमाई सीज को ईस्ट भी कहते हैं। यह बर्ग एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। इसे बेकरी उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। एक कवक के द्वारा एंड बैंड इन्वर्टेज एंजाइम उत्पन्न होता है जो कि एथेनॉल के बनने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एथेनॉल किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनता है। इसमें शर्करा का विखंडन एथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। अगला है दसवां क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र कि किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंगाल मिले हैं? तो बी ऑप्शन है घघरिया। घघरिया सर्वाधिक विंध्य क्षेत्र में एक प्रमुख स्थल है जहां से प्राप्त शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंगाल मिले हैं। अब 11वां है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी? तो सी ऑप्शन है अमोग बरस की। अब 12वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल। सी ऑप्शन सही है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। वह आरंभिक पाल शासकों में सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली था। इसके समय कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिदलीय संघर्ष आरंभ हुआ। कवि सोडल ने उद्धव सुंदरी कथा में उसे उत्तरा पत स्वामी की उपाधि से विभूषित किया। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उसने परम सौगात की उपाधि धारण की। उसका मंत्री ब्रह्मा गर्ग तथा उसके बौद्ध विद्वान हरिभक्त को भी संरक्षण दिया। विक्रम से शिला और सोमपुर पहाड़पुर बिहारों का निर्माण करवाया। बौद्ध गया में चतुर्मुख महादेव की मूर्ति स्थापित करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव उदारता पूर्वक अनुदान दिया। अगला है 113वां क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो यह उदयगिरी। तुलुक वंश के शासक कृष्णदेव राव राय का कार्यकाल 1509 से 29 ईस्वी तक रहा। यह विजयनगर के महानतम तथा भारत के सार्वकालिक महान शासकों में से एक थे। बाबा ने इनको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राव ने विद्रोही सामंतों का दमन करने के उपरांत गजपति उदयगिरी 1513 ईस्वी में जीता। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को परास्त कर रायपुर दुआब जीता। इससे यवन राज स्थापनाचार का विरुद्ध धारण किया। अगला है 14, जहांगीर ने मुक्त निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो यह है चित्रकला। चित्रकला को इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर को चित्रकारी में अत्यधिक रुचि थी तथा वह प्रकृति प्रेमी था। जहांगीर स्वयं भी चित्रकार था। उसने बाबर की राजकीय चित्रकला को इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित करवाया तथा अकारीजा को इसका अधीक्षक बनाया। अकारीजा का पुत्र अबुल हसन उसका प्रिय चित्रकार था जिसे नादिर कुजमा की उपाधि दी गई थी। तुझे के जहांगीरी में उसने अबुल हसन की प्रशंसा की। एक अन्य चित्रकार शरीफ खां को उसके अमीरुल की उमरा की उपाधि दी। जहांगीर के काल में स्त्रियां भी चित्रकारी करती थी। उस्ताद
मसूर, बिशनदास, फारूक बेग, मनोहर जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकार थे। 15वां क्वेश्चन है सर दोस्तों, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन है इल्तुतमिश को। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश 1210 से 1236 को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश गजनी के शासक एल2 से मुक्ति पथ प्राप्त हुआ था। इससे ने दिल्ली को राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक केंद्र बनाया और सल्तनत को सुदृढ़ता और स्थायित्व प्रदान किया। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रणथंबोर जीतने वाला प्रथम तुर्क इल्तुतमिश था। अब हम 16 क्वेश्चन देखने। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो ये अकबर। सी ऑप्शन सही है। मुगल काल में बादशाह अकबर ने संगीत को विशेष प्रोत्साहन दिया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनके नवरत्नों में शामिल थे। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ग्रहण की। इसके अतिरिक्त अकबर ने वृंदावन के वैष्णव संत हरिदास से संगीत सुना तथा उन्हें जागी प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने संगीत का प्रोत्साहन दिया। 17वां क्वेश्चन, मुगल काल में जिसे मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? तो बी ऑप्शन है दिल्ली में। दिल्ली स्थित मुगल कालीन मदरसा एक प्रसिद्ध मदरसा था जिसको मुस्लिम न्याय शास्त्र की शिक्षा विशिष्टता मिलती थी। 18वां क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बी ऑप्शन 1526। बाबर ने पानीपत के मैदान में 1526 में इब्राहिम लोधी को परास्त किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में मारे जाने वाले दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल का अधिकार वंश का अधिकार हुआ। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का ज्येष्ठ पुत्र था। इसके एक ओर राणा सांगा के नेतृत्व में उभरती राजपूत शक्ति तथा दूसरी ओर विद्रोही अफगानों का सामना करना पड़ा। इसके सामने सबसे बड़ा खतरा पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आक्रमण करने वाले मुगलों के रूप में था। बाबर मुगल वंश का प्रथम बादशाह था। बाबर के 5वें अकबर के दौरान राजपानी का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को है जिसमें मुगलों की जीत हुई। 19वां क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों मद्रास के गवर्नर बने? तो ए ऑप्शन है सही, 1820 से 27 तक। सर टॉमस मुनरो बस 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर बने। चलिए 20वां क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं? तो सी ऑप्शन है डब्ल्यू ए फेयर सर्विन। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डब्ल्यू फेयर सर्विन हैं थे। 21वां क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, कर्नाटक प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ और दूसरा है तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ इसका। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ए निर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध ये ब्रिटिश की हार हुई इसमें। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ। युद्ध का कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपुरतों पर अधिकार कर लिया था। युद्ध में नवाब की सेना को परास्त किया। एक्सला सफेल की संधि 1748 से युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध वर्ष 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। पेरिस की संधि 1763 से युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मैसूर के शासक हैदर अली के मध्य हुआ जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और उन्होंने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि 1769 स्वीकार करनी पड़ी।
22वां क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के डीके सर्वे कार्वी का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है? तो सी ऑप्शन है स्त्री शिक्षा। महर्षि डॉक्टर थोंडो केशव कार्वी पश्चिम भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मुंबई में NSTDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1958 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया था। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे के लिए पे हुआ है? तो बी ऑप्शन सही, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान वंश के राजपूत राजा थे। उन्होंने उत्तरी भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली में शासन किया। पृथ्वीराज ने 1191 ईस्वी में शहाबुद्दीन गोरी को हराया। 24वां क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ए ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना रोकने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली शौकत अली, हकीम अल जमल अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अली हसन मुख्तार अहमद अंसारी थे। सितंबर 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त में किस हुआ? तो डी ऑप्शन है इसमें, इसका क्लियर, इसमें 1866 से 67 में चलाया है। ठीक है, देवबंद आंदोलन सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। 26वां, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा वर्ष 1924 में गठित था, तो कौन सी पार्टी थी? ये स्वराज पार्टी थी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। पूर्व में इसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज था। इसका तत्कालीन लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति थी। सितंबर में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें स्वराज पार्टी और उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दी गई। अगला 27, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो सी ऑप्शन करौली। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत का पालन करना सर्वप्रथम वर्ष 1848 में 17 को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। इस सिद्धांत का मूल आधार यह था कि अंग्रेजी कंपनी भारत में सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए अधीनस्थ सियासतें अथवा राज्यों को उसकी स्वीकृति के किसी को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। स्वीकृति के बिना किसी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। कंपनी को यह अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे इस प्रकार की स्वीकृति को लौटा दे। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल वर्ष 1848 से 56 तक रहा इनका। अगला 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की कफरी त्याग कर दिया था? ये था जलियांवाला हत्याकांड नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। ये लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने अपने नेताओं डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार निर्वाचित किए जाने का विरोध कर रहे थे। जनरल डायर ने इस सभा आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा बिना किसी सूचना के गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस नरसंहार से दुखी रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार द्वारा प्रदान की नाइट हुड की उपाधि को त्याग दिया था। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। बी ऑप्शन इसमें सही है, 4-3-1। तो संवैधानिक संशोधन, तो इसमें अनुच्छेद 368, वित्त आयोग,
280, वित्तीय आपात 356, अखिल भारतीय सेवाएं 312। अगला है, ये था अपना 29 हो गए और 30 अब देखना है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है 14 दिनों तक। बी ऑप्शन सही है। बजट तथा वित्तीय विधेयकों को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पास होने के पश्चात ऐसे विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं। राज्यसभा को 10 दिन के अंदर ऐसे विधेयकों को अपनी सिफारिश सहित वापस करना पड़ता है। यदि राज्यसभा में इनको 14 दिन के अंदर वापस ना करें या किन्हीं ऐसी सिफारिशों के साथ वापस करें जो लोकसभा को स्वीकार ना हो, तो लोकसभा या विधेयकों को उसी रूप में उस जिसमें उसने पहले पास किया था राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेज देती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पर यह विधेयक दोनों सदनों में पास हुआ समझा जाता है। 31 है, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु भारत में संपन्न संविधानिक प्राधिकार प्राधिकारी है, तो ये ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति आयोग किसी जनजाति को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल किया जाए इसके बारे में वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करता है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, तो लाल कुर्ती रेड शर्ट। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह भारत के सीमांत प्रांत में खान अब्दुल खान गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था आंदोलन था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो यह केशवानंद भारती बाद 1973। केशवानंद भारत संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थान दिया गया। संघीय न्यायालय को संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में पद उपबंधित किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, समाप्त या समाप्त कर सकती है, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिसमें मूल ढांचे में परिवर्तन होता। चौंतीसवा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहेगा, तो 1 वर्ष। भारत संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रीय से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता है। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था, तो ये है सी ऑप्शन, केंद्र और राज्यों के मध्य। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए मार्च 1983 में केंद्र सरकार ने न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। 3 सदस्यीय आयोग ने नवंबर 1987 में अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। 36 है, मां अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो सी ऑप्शन हैदराबाद में।
37 राज्य वित्त आयोग एक है, तो सी ऑप्शन है संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 343 के तहत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राज्यपाल को अपनी सिफारिश देगा, जिसे राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा। 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो डी ऑप्शन सही है 253। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, संविधान के भाग 11 में। अनुच्छेद 245 से 254 तक केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों की व्याख्या की गई। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, और ऐसा करने के लिए संसद को राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। 39 से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो सी ऑप्शन है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति व राज्य विधानमंडल के पदों के निर्वाचन के संचालन निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। यह उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायती व निगम चुनाव के लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। 40 है, पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता, तो सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण का कोई प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। अनुच्छेद 243 डी के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे, जबकि जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में होंगे तथा एक स्थान चक्कानुक्रम के आधार पर आवंटित होंगे। इसी तरह एक तिहाई स्थान अनुसूचित जातियां और जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाद उपबंध करने को अधिकृत है, तो बी ऑप्शन राज्य का विधानमंडल। राज्यों का विधानमंडल पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करने को अधिकृत है। अनुच्छेद 243 सी के अनुसार ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, तथा मध्यवर्ती पंचायत व जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतों द्वारा चुने गए सदस्यों में से होता है। 42वां, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन 9 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 का उपबंध किया गया है, जिसका नाम पंचायत रखा गया है। पंचायत के लिए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कई प्रावधान किए गए हैं, तथा इनकी सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें पंचायत से संबंधित 29 विषय का वर्णन किया गया है। 43 से पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई है, तो बी ऑप्शन है लोकतंत्र की शक्ति को के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। संविधान सभा ने राज्य के निधि निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान कर के राज्यों को इनका गठन की शक्ति प्रदान कर दी। औपचारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रयास आरंभ हुए हैं। इसके लिए केंद्र में पंचायती राज्य एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। 44, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो यह बी आर मेहता। 45 है, निम्नलिखित में संविधान कथनों पर विचार करना है, कथन एक। कथन संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, और कारण है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध पर प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो ये ऑप्शन है ए और दोनों सही है। ए का सही इस पर स्पष्टीकरण आर करता है। संविधानिक उपचार का अधिकार 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी गई। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वह अपने अधिकारों को सर्वोच्च संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के लेख, उदाहरण के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा, उत्पीड़न आदि जारी कर सकता है।
46 है, सूची एक सूची को तो सम्मिलित करना है, तो ए ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, 3 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये 148 में वित्त आयोग है, जो ये अनुच्छेद 280 में प्रशासनिक प्राधिकरण अधिकरण है, ये अनुच्छेद 223 में संघ लोक सेवा आयोग, ये अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 148 के अनुसार संघ तथा राज्यों के लेखा एवं लेखा परीक्षण के लिए एक स्वतंत्र नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा निर्धारित विधि के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग भारत में संघ एवं राज्य के मध्य वित्तीय विभाजन करने वाली एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग भारत में सहकारी संघवाद के अनुकूल है। राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के अंदर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर उससे पहले किसी समय एक वित्त आयोग गठित करेगा। अनुच्छेद 323 ए के अनुसार प्रशासनिक प्राधिकरण की व्यवस्था की गई। यह संवैधानिक निकाय संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 आई के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 47 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या होगी 21। वर्ष 2011 में सरकारी समितियों को 97वें संविधान संशोधन द्वारा संविधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 11 बी सॉरी 9 बी के अंतर्गत अनुच्छेद 243 जेड जेड एच जेड टी में समाहित किया गया है। राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून में तहत सहकारी समितियों के निर्देशन का चयन किया गया। इन निर्देशन की कम संख्या 21 है। 48 से भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो बी ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। यदि राज्य विधानमंडल जिसका विधेयक भेजा गया है इस निर्धारित या बड़ी हुई अवधि के भीतर विधेयक पर अपने विचार नहीं करता तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि के अंदर राज्य विधानमंडल अपना विचार उस विधेयक पर व्यक्त नहीं करता तो संसद राज्य विधानमंडल का परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सामान्य बहुमत से नए राज्य निर्माण संबंधी विधेयक को पारित कर सकते हैं। 49 भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद। संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया। मूल अधिकार भारत का अधिकार पत्र मैग्नेट कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? डी ऑप्शन अनुच्छेद। संविधान का अनुच्छेद 51 में अंतर्गत शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए सरकार ने गुटबेक्स नीति, पंचशील सिद्धांत तथा यूएनओ का समर्थन आदि को अपनी विदेश नीति का आधार स्तंभ रूप में स्वीकार किया। 51 है, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है, तो यह एंडो हैंडल फुलरीन। अगला है 52 का क्वेश्चन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये विद्या बालन। निर्मल भारत अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य खुले स्थान पर मल की त्याग की पारंपरिक प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन करना है। पहले इस कार्यक्रम का नाम संपूर्ण स्वच्छता अभियान था। इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। 53वां क्वेश्चन है, वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी कजीता और सा मैकडोनाल्ड निम्नलिखित में से क्रमशः किस देश के निवासी थे? तो सी ऑप्शन सही है, जापान और कनाडा। वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी काजीता जापान के भौतिक वैज्ञानिक हैं। इन्हें न्यूट्रॉन की खोज के लिए जाना जाता है और मैकडोनाल्ड कनाडा के वैज्ञानिक हैं। 54वां क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गई जो वर्ष 2015 में आयोजित था। तो डी ऑप्शन है इस्लामाबाद। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2015 पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था।
55 है। UNHCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या हाल में किस सीमा पर पहुंच गई? तो इसमें ये ऑप्शन सही है, 1.0 मिलियन। UNHCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या 1.0 मिलियन की सीमा पर पहुंच गई। अब है 56। विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, फिलीपींस फिलीपींस। अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं? तो ये है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बना रह सकता है। अगला है 58। टाइम मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया? तो ये है एंजेला मार्केल। 2015 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टाइम मैगजीन द्वारा जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया। मार्केल को यह अवार्ड यूनानी ऋण संकट और यूरोपीय प्रवासी संकट में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया। वर्ष 2014 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एवोला सेनानियों को दिया गया था। 59 है, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया? तो सी ऑप्शन सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया। 60वां है, हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़े अनुसार भारत को किस समुदाय में सबसे कम लिंग अनुपात है? तो बी ऑप्शन सिख में। हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़े के अनुसार भारत के सिख समुदाय में सबसे कम लिंग अनुपात है। सिखों में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 903 है और 0 से 6 वर्ष की आयु में 828 लड़कियां हैं। 61 है, सऊदी अरब में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला हैं? तो हैं सलमा बिंत। सऊदी अरब के मक्का के नगर निगम परिषद में एक सीट जीतने के बाद सलीमा बिंत रूढ़िवादी इस्लामी राज्य में सार्वजनिक पद के लिए निर्वाचित पहली महिला बन गई। 62, हाल ही में सुर्खियों में आया बेंडेल स्टीन सेवन संबंधित है? तो है डी ऑप्शन, नाभिकीय ऊर्जा से। अगला 63, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? तो डी ऑप्शन है 22। विश्व में कुल 22 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है, जिनमें से प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सिंगापुर, पेरू, उरुग्वे आदि प्रमुख है। अनिवार्य मतदान एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत मतदाताओं को वोट करना अनिवार्य होता है। 64 है, अभी हाल ही में किस देश ने एक बच्चे के मानक की नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दी है? तो सी ऑप्शन चीन। अब 65वां, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है? तो यह मोहिंदर पुरी ने। कारगिल टर्निंग द टाइट लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी द्वारा कारगिल विजय के ऊपर लिखी पुस्तक है। यह ऑपरेशन विजय के दौरान ट्रास मस्को क्षेत्र में से दुश्मन को बेदखल करने की घटना के संदर्भ में लिखी गई है। 66वां, भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग 2015 राफेल नडाल ने खेला था? तो सी ऑप्शन है, इंडिया एसेज की ओर से। भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग 2015 में राफेल नडाल ने इंडिया एसेज की ओर से खेला था। नडाल ने पिछले साल उद्घाटन में संस्करण से अपना नाम वापस ले लिया था। ITPL के संस्थापक और प्रबंध निदेशक महेश भूपति हैं और इंडिया एसेज के सह मालिक गुलशन जोहरानी हैं। 67 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया? तो है सी, आजमगढ़। 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से ग्राम प्रधान चुनी गई।
68 है। रघुवीर चौधरी ने जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जिस साहित्य को संपन्न किया वह है तो भी सर गुजराती में। रघुवीर चौधरी को गुजराती भाषा में लिखित त्रयी उपरिवस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रघुवर चौधरी ने गुजराती भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी पुस्तकें लिखी। इन्होंने 80 से भी ज्यादा अधिक पुस्तकें जिनमें अमृता, सहवास, तमाशा आदि पुस्तकें लिखी। 69 भारत के सभी राज्यों को विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में मानव में राज्य को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इनमें वो बी ऑप्शन है इसमें से, केरल, मालदीव्स, गुजरात, होंडुरास, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, महाराष्ट्र है दक्षिण अफ्रीका। 17वां है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लेक्ट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई? तो DSBI। सिंपली क्लेक्ट क्रेडिट कार्ड स्कीम SBI बैंक द्वारा प्रारंभ की गई। यह कार्ड भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित कर शुरू किया गया, ताकि इस कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन खरीदारी द्वारा पैसा बचाया जा सके। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में 7 लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग व्यापारियों के सहयोग से इस स्कीम को शुरू किया है, जिसमें अमेजन, क्लियर ट्रिप, लेंसकार्ट आदि शामिल है। 71वां, 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता प्रिया ओंजलो गुट संबंधित हैं? तो ये हैं 64, ये सही है, फिलीपींस से। 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता विजेता 2015 की विजेता अंजोलो बोट जिबेक फिलीपींस की हैं। पिया अंजोल अलोंजो को मिस यूनिवर्स ताज पिछले वर्ष की मिस यूनिवर्स पॉलिना बेगा ने पहनाया है। इसका आयोजन 20 दिसंबर 2015 को लास वेगास संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ था। 72 है, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया, यह भ्रष्ट आचरण संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही है, रेलवे के ब्रांड जल रेल नीर से। भारतीय रेलवे के अंतर्गत उसके ब्रांड जल रेल नीर घोटाला पकड़ा गया। इसके अंतर्गत मुख्य वाणिज्य उत्तर प्रदेश रेलवे MS चालिया और संदीप सिलास प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसकी CBI जांच चल रही है। 73 है, भारत के वराक आर्ट मिसाइल निम्नलिखित में से किस के सहयोग से विकसित किया गया? तो सी ऑप्शन इजराइल। भारत ने वराक 8 मिसाइल को इजराइल के सहयोग से विकसित किया। भारतीय नौसेना ने इस मिसाइल को 27 इस हवा में मार करने वाली है। INS कोलकाता से सफल परीक्षण किया गया है। इस प्रक्षेपण का पहली बार किसी भारतीय युद्ध पोत से किया गया परीक्षण है। इसका उद्देश्य दूसरी तरफ से आने वाली मिसाइलों, विमानों और ड्रोनों के खिलाफ क्षमता का विस्तार करना है। 64 है, शिलांग घाटी किस राज्य से संबंधित है? तो डी ऑप्शन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस देश ने में पहली बार महिलाओं को मतदान अधिकार दिया गया? उन्होंने इतिहास बनाते हुए वर्ष 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीते हैं। तो सी सऊदी अरब। सऊदी अरब के इतिहास में देश में पहली महिलाओं को पहली बार चुनाव देने एवं चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार दिया गया, और उन्होंने इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीती। मक्का नगर निगम परिषद में सलमा बेंत निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी। 76 है, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो यह गोंडवाना। डी ऑप्शन है, भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली के अंतर्गत गोंडवाना चट्टान आती है। गोंडवाना चट्टान प्रणाली जो मध्य एवं कार्बोनिफेरस अवधि के दौरान गठित गलत घाटियों में स्तरीकृत तलछटी चट्टानों के अंतिम भारी गठन के रूप में माना जाता है। गोंडवाना चट्टान देश के 4 मुख्य क्षेत्र में पाई जाती है। पहली है दामोदर छोटा नागपुर की घाटी क्षेत्र, दूसरा है महानदी घाटी, तीसरा है गोदावरी वर्धा घाटी, चौथा है कच्छ काठियावाड़ पश्चिमी राजस्थान कश्मीर और सिक्किम में। 77 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सी ऑप्शन है, मिस्टल लाइन घाटी। फो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फो अल्पस पर्वत, बोरा पोलैंड मध्य एशिया, मिस्टल है फ्रांस, खमसीन मिस। अब है 78, नीचे दिए एक वूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही और क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये ऑप्शन सही है,
4-3-2-1 सुपीरियर विक्टोरिया विकाल विकाल ग्रेट बियर। यहां व्याख्या देख लेते हैं। सुपीरियर 82,100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका, यह मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया ये युगांडा केन्या तंजानिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। बैकाल ये रूस में विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील ग्रेट बियर ये कनाडा में कनाडा की सबसे बड़ी झील। 79 सम्मिलित करना है सुम, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन एगार्टा चीन में नहीं है, बाकी सब सही है। रैटरडम नीदरलैंड, माउंट वीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। 80 सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। माड़ा है जो उत्तराखंड में, नाथुला है सिक्किम, और जो जिला है जो ये जम्मू कश्मीर, और सिपकीला है हिमाचल प्रदेश। मारडा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जो जिला जम्मू कश्मीर, सिपकीला हिमाचल प्रदेश। 81 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो सी ऑप्शन केन्या। केन्या पूरी दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। यह विश्व के कुल चाय निर्यात का लगभग 30% योगदान दे रहा है। यह हर साल चाय 396,641 मेट्रिक टन निर्यात करता है। यह केन्या की मशहूर नकदी फसल है। केन्या को चाय निर्यात से राजस्व का 17.20% आता है। 82वां क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो इसमें ऑप्शन सही है सी 3-4-1-2। खिरगिज जनजाति है जिस क्षेत्र में, खिरगिज है जो ये मध्य एशिया में, बुशमैन है ये कालाहारी क्षेत्र में, इनू है जी ये जापान में, और बट्टू है बट्टू ये अरब में। अंगला 83 निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो यह जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता है। लेह जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले का मुख्यालय एवं प्रमुख नगर है। यहाँ एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, चुम्मी घाटी सिक्किम में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। 84वां सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है 4-3-1-2। लानोज घास के मैदान है महाद्वीप, लानोज है जी ये दक्षिण अमेरिका। स्टेपी है ये यूरोप में। पेरीज है ये उत्तरी अमेरिका। वेल्ड है अफ्रीका। लानोज दक्षिण अमेरिका, स्टेपी यूरोप, पेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका। 85 निम्नलिखित में किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश के 28% में पाया जाता है। यहाँ कुल भूमि का 28% नलकूपों द्वारा सिंचित है। दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। भारत में नलकूप द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का 35.4% भूमि की सिंचाई की जाती है। वर्तमान समय में नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। 86वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश की 70% कॉफी अकेले पैदा करता है, तो डी ऑप्शन कर्नाटक। भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में भारत में कॉफी का कुल उत्पादन 327,000 मीट्रिक टन है, वह जिसमें अकेले कर्नाटक ने 232,230 मीट्रिक टन हुआ है, जो कि कुल उत्पादन का 71.32% है। इसके बाद केरल का दूसरा स्थान जहां 67.7 मीट्रिक टन है उत्पादन हुआ। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्य भी कॉफी का उत्पादन हुआ है। 87 सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। औद्योगिक क्षेत्र और देश किनकी है जो ये जापान में,
कैंटन है ये चीन में, लोरेन है ये फ्रांस में, बेलो हॉरिजॉन्टल है ब्राजील। अगला 88वां क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित इसमें भी करना है, इसमें बी ऑप्शन सही है। मुकुम केंद्र क्षेत्र है खनिज है, मुकुम है मकुम ये कोयला से संबंधित, डल्ली राज हरा यह लोहे अयस्क से संबंधित, कोरापुट यह बॉक्साइड से, चित्तद्रोग ये मैग्नीज से। मुकुम असम कोयले के लिए, डल्ली राज हरा छत्तीसगढ़ लोहे अयस्क के लिए, कोरापुट उड़ीसा बॉक्साइड के लिए, चित्तद्रोग कर्नाटक मुक्ता मैग्नीज के लिए विख्यात है, विख्यात है। 89 भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बी ऑप्शन अन्नाई मुदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुदी है जो पश्चिमी घाट क्षेत्र में केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2694 मीटर है। तमिलनाडु की दोदा बेटा नीलगिरी श्रृंखला स्थित द्वितीय स्थान पर है। नब्बेवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है, युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो बी ऑप्शन है इसमें तिलेयावान कोनार नदी पर नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे, तिलेयावान बराकर गांधी सागर बांध चंबल, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा। तिलेयावान झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। 91वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगली देख इसकी व्याख्या नहीं है। 92वां क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन के लिए स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है, आगरा दिल्ली जयपुर। भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण त्रिभुज एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका आगरा दिल्ली और जयपुर शहर को रखा गया। 93वां क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सी कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट मुंबई गोवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जबकि दक्षिण भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। 94वां क्वेश्चन है, तातीपाका तेल शोधन शाला अवस्थित है, तो डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश राज्य में। तातीपाका पाका तेल शोधन शाला ONGC कंपनी की रिफाइनरी है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। 95वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो ए ऑप्शन इसमें सही है, यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है और केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। तीसरा ऑप्शन गलत है, राज्य योगदान 25% नहीं। इसका व्याख्या देखते हैं, इसकी इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट एंड सैनिटेशन योजना हाथ से मैला ढोने वाले बालों की मुक्ति हेतु वर्ष 1981 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के शेष शुल्क शौचालयों को अल्प लागत फ्लैश शौचालयों से प्रतिस्थापित करना। वर्ष 2012 में जारी इसके संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कुल लागत का 75% केंद्र सरकार द्वारा और 15 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाए जबकि शेष 10% लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाए। 96वां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सी ऑप्शन चेन्नई। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। चेन्नई में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है जो कि विश्व का सर्वाधिक वाला क्षेत्र है, वर्षा वाला क्षेत्र है। 97वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, तो सी ऑप्शन है इसमें, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। पहला ऑप्शन है, गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, यह समावेशन का उद्देश्य है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, यह भी वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, यह भी वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है।
सी ऑप्शन इसमें गलत है। अवैध 98, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन है 2011 19.05। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि देखते हैं। 1971-80 के बीच 24.66 प्रतिशत रही, 1981-91 के बीच 23.87% रही, 1991-2001 के बीच 21.54 रही और 2001-2011 के बीच 17.7 प्रतिशत रही। ठीक, 99 लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी या दो संरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है, तो यह डिजिटल भारत योजना डी ऑप्शन। स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना, ये योजना शहरी या दो संरचना के विकास के लिए घोषित की गई। 100वां क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, निम्नलिखित में से तो सी ऑप्शन बाई बी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग का गठन भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर बाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को किया गया था और इसका कार्यकाल 31 अक्टूबर तक था। इससे आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर 2014 को सौंपी, जिसमें 1 अप्रैल 2015 से 2020 के दौरान कर प्राप्तियों के हस्तांतरण पर अपने विचार दिए। संविधान के 12 के अध्याय 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 280 और 81 में वित्त आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। यह एक संविधानिक संस्था है जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है। वित्त आयोग उन नीतियों पर सिफारिश देता है जिनके आधार पर राज्यों और पंचायतों, राज्य संस्थाओं जैसे स्थानीय निकायों को चुनाव को अनुदान दिया जाता है। 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो ये 2008। देश में भूमि अभिलेख प्रबंध प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए भूमि संसाधन विभाग द्वारा 21 अगस्त 2008 से राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। LNRMP में उप पंजीयक के कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने तथा पंजीकरण और भूमि अभिलेख अनुसंरक्षण प्रणालियों के समेकन का प्रस्ताव किया गया। इसे डिजिटल इंडिया स्कीम से जोड़ा गया है। 102वां है, भारत में 102वां क्वेश्चन है, 102वां भारत में वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की गई, तो यह सी ऑप्शन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसकी व्याख्या की बात करें तो हम लोग माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना वर्ष 2009-10 से शुरू की गई। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत किया जाता है। यह योजना विकलांगों बच्चों के लिए समेकित है शिक्षा की जगह लाया गया है तथा कक्षा 11वीं 12वीं के विकलांग बच्चों के समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करता है। 103वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई, तो ए ऑप्शन है 2010 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर संगठित क्षेत्रों के कामगारों तथा विशेष रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों को वृद्धावस्था में सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्वावलंबन योजना को मंजूरी अगस्त 2010 को दी गई। केंद्र सरकार उन लाभार्थियों के NFS खाते में प्रतिवर्ष 1,000 रुपये का योगदान करेगी जिनका स्वयं का योगदान प्रतिवर्ष 1,000 से 12,000 का होगा। इस योजना को 2015 में से नई अटल पेंशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 104वां है, वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन है ग्रामीण स्वच्छता। वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना के 6 घटक हैं, ग्रामीण अवसंरचना हेतु सिंचाई, सड़क, आवास, जलपूर्ति, विद्युतीकरण, दूर संचार संपर्क, इस ग्रामीण स्वच्छता शामिल नहीं है। 105वां क्वेश्चन है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत आयु होगी, तो सी ऑप्शन 29 वर्ष। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है और वर्ष 2020 में भारतीयों की कुल औसत आयु 29 वर्ष होगी। भारत की 50% से अधिक जनसंख्या की औसत आयु 25 वर्ष है। भारत की जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। 106वां, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया, तो डी ऑप्शन है
अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों, सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषक, कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समावेशी विकास कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति शामिल नहीं है इसमें। 107वां है, वर्ष 2014-15 में, 14-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रयास है, तो ये ऑप्शन है 4 से 5%। वर्ष 2014-15 में भारत के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रयास 4 से 5% के मध्य। उल्लेखनीय है कि देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश वर्ष 2012-13 में 3.6% और वर्ष 2013-14 में 4.3% के स्तर पर था। वर्ष 2013-14 में प्रदेश के कुल निर्यात 80,523 करोड़, जो कि वर्ष 2014-15 में बढ़कर 85,034 करोड़ हो गया। उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति ने वर्ष 2015-20 में प्रदेश से निर्यात को वर्ष 2017 तक 2,00,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 108वां क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सी ऑप्शन है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसके तहत बजटीय घाटे की पूर्ति हेतु वित्तीय व्यवस्था अतिरिक्त नोट निर्गम के द्वारा जिससे मुद्रीकरण होता है। 109वां, निम्नलिखित पंचायतों में किससे किन्हीं उत्तर प्रदेश के जिला योजना सम्मिलित किया गया? तो सी में डी ऑप्शन है, ए सही, ए सभी, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों, इन सभी को सम्मिलित किया गया। 110वां है, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो बी ऑप्शन है, 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 से 6 से 14 वर्ष आयु के समूह के सभी बच्चों को 8वीं तक निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया था। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 8 मुख्य कार्यक्रम आते हैं। 111वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है? तो सी ऑप्शन है, 15 से 20, 2015 से 2020 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक सभी के लिए आवास, 22 तक योजना की समयावधि 2015 से 22 तक है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रारंभ प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारंभ किया था, जिसके तहत अगले 7 वर्षों में देश के शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। 112वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। भारत सरकार ने खाद्य उत्पादन में आई स्थिरता व बढ़ती जनसंख्या की खाद्य उपभोग को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2007 में केंद्र पर आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना की शुरुआत की। इसके उद्देश्यों एवं रणनीतियों में उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निर्देशन तथा फसलों की नई विकसित किस्मों के प्रचार प्रसार के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना शामिल है। 113वां क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह खतौली। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्पादन एवं भंडारण क्षमता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में स्थित है। यह चीनी मिल त्रिवेणी समूह के अंतर्गत आती है। अगला 104वां, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए दें और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें बी ऑप्शन सही, 3-2-1। हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीब हटाओ। भारत में हरित क्रांति के तहत कृषि रणनीति उन्नत प्रजाति के बीजों के साथ पहली बार 1966 की खरीफ फसल प्रारंभ से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में शुरू किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के अंतर्गत सर्वप्रथम गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था। 115वां है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है? तो सी नोएडा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। 116वां है, ई विज संबंधित है? तो डी ऑप्शन, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से।
ई ब्रिज का भारत का गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B वे पोर्टल है जो व्यवसायियों की सरकार के साथ अंतर क्रियाओं में सरलता और सुविधा दिलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप से 11 सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता के साथ देश में व्यवसाय को सुगम बनाने के उद्देश्य से 18 फरवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। 117 है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की, तो यह केलकर समिति बी ऑप्शन है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने दी थी। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, बीजी कल्चर वृक्षों की कृषि से संबंधित है, पीसी कल्चर ये सब मछली पालन से, ओलीरी कल्चर सब्जी खेती से। ठीक, 119वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये है उष्णकटिबंधीय, सी ऑप्शन सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 120वां क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, तो ये ऑप्शन है 2008 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। 121वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो ये बी ऑप्शन है विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, पायरोमीटर का शाब्दिक अर्थ है अग्नि का मापक होना। पायरोमीटर किसी सतह का तापक्रम स्पेक्ट्रम के ऊष्मीय विकिरण द्वारा निर्धारित किया गया जाता है। 122वां है डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो इसमें सी ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसमें एक कुंडल जो कि सुचालक का बना होता है, स्थायी चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित होता है। जब कुंडली को घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडल में धारा प्रवाहित होती है। इसके तरह से डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 123वां, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है, तो एनोमीटर। वायु को गति को मापने वाले साधन को एनोमीटर कहा जाता है, यह एक बात दिग्दर्शक की तरह देखता है। इसमें चार कप होते हैं जो कि वायु की गति को मापते हैं, पिंड वेग वायु की गति की दिशा बताता है। 124वां, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन O2 नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मैथेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ग्रीन गैस है, हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त क्लोरोकार्बन CFC व जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। इस प्रभाव से सूर्य की अवरक्त किरणें अवशोषण कर लिया जाता है और ये वापस वायुमंडल में नहीं जा पाती है, जिसके फलस्वरूप धरती का तापमान बढ़ता है। जीवाश्म ईंधन के अधिक उपयोग से इन गैसों का स्तर तीव्रता से बढ़ रहा है। 125वां, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो यह सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सौर ऊर्जा सीधे विद्युत धारा में अर्धचालक पदार्थों की सहायता से परिवर्तित करने की विधि है। इसके विक्रम में सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत धारा बिना वायुमंडल जलवीय द्रव्यों के उत्सर्जन से उत्पन्न किया जाता है, संपन्न कराया जाता है। 126वां, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। विंड टरबाइन विंड में निहित गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में बदलता है, यह यांत्रिक शक्ति विद्युत शक्ति में परिवर्तित की जाती है। जैसे कि जब ये यांत्रिक शक्ति जनरेटर पर लगाई जाती है तो वह विद्युत शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। 127वां, मानव की सामान्य स्वस्थ आंखें के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो डी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। मानव की स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 128वां, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, ये सभी मतलब मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। 129वां, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ये धान का खेत, ए ऑप्शन सही है, धान का खेत। 130, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और पिसी तक दोनों तरह उपयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो भारी जल।
131 निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस ऑक्सीजन की तुलना में 210 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन में से सहयोग करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका स्तर 1200 ppm पहुंचने पर यह प्राण घातक सिद्ध होती है और कुछ क्षणों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 श्वसन के उपरांत निकलती है और रक्त प्लाज्मा के द्वारा कार्बोनिक एपाहाइड्रेज नामक एंजाइम की मदद से शरीर में इसका समन होता है और शरीर से फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। पेन का पूरा नाम पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट है। यह एक द्वितीयक प्रदूषक है। O2 ओजोन स्तर स्ट्रेटोस्फीयर में पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, परंतु यह धरती के समीप एक प्रदूषक का कार्य करते हैं। 132 भाई हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है, 1, 4, 1, 2, 4। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लोह युक्त यौगिक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसमें गलत है, यह कुछ लोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी 1, 2, 4 सही है। हीमोग्लोबिन में एक लोहे युक्त श्वसन वर्णक है। यह शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण करता है। इसे वर्णक के कारण रक्त का लाल रक्त लाल होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करती है। हेम वर्णक 4 प्रोटीन निर्मित ग्लोबिन श्रृंखला से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं। 133 बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित उद्भव की व्याख्या करते हैं। तो ब्रह्मांड 134 है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कोनेन का निष्कर्षण किया जाता है। तो यह सिंकोना की छाल से। मलेरिया रोग की प्रभावी दवा कोनेन का निष्कर्षण सिंकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। यह एक अनावृत बीजी पौधा है। मलेरिया रोग एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह एक प्रोटोजुआ है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम प्लाज्मोडियम है। सिंकोना वृक्ष सबसे लंबा वृक्ष है, जो की लंबाई में 366 फीट का होता है, जिसका वास्तविक नाम सिकोवा सेमी परबेरेंस है। 135 बार जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो उत्परिवर्तन जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके द्वारा नए नए लक्षणों का निर्माण होता है। यह विकासीय परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके द्वारा नई नई जातियों का निर्माण होता है। अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। डीएनए का नए डीएनए बनने की क्षमता प्रतिरूपण कहलाती है। 134 है खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो डी ऑप्शन प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। 137 है जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो अत्यधिक दोहन सी ऑप्शन सही है। 138 है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का सबसे बड़ा अच्छा स्रोत है। यूएस कृषि विभाग के अनुसार 1100 किलोग्राम में 164 मिलीग्राम विटामिन ई अल्फा टोकोफेरोल के रूप में पाया जाता है। सरसों का तेल सरसों के बीजों से निष्कर्षित किया जाता है। सरसों के तेल की तीव्र गंध का कारण एलाइल आइसोथोकोसाइनेट की उपस्थिति है। इस तेल में नियासिन थायमिन राइबोफ्लेविन फायरी डॉक्सिन आदि विटामिन उपस्थित होते हैं। नारियल के तेल में लॉरिक अम्ल तथा विटामिन ई पाया जाता है। लॉरिक अम्ल मनुष्यों के दुग्ध में भी पाया जाता है। 139 है कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। तो सी ऑप्शन चाय और कॉफी दोनों में। कैफीन चाय व कॉफी दोनों में पाया जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। नींबू में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि खट्टेपन के लिए जिम्मेदार है। कैफीन शरीर से तरल निकालने में सहायक होता है। 140वां क्वेश्चन आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह ए ऑप्शन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए बस 1921 में दिया गया था। 141वां राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो यह ऑप्शन करनाल में।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करलायल में स्थित है। इसके निर्देशक डॉक्टर ए के श्रीवास्तव है। यह वर्ष 1923 में स्थापित अनुसंधान संस्थान है। वर्ष 1990 में पहली IVF भैंस का जन्म इससे की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 142 बार मानव सदृश लघुत्तम कपी है, तो बी ऑप्शन चिंपैंजी। अनुसंधान के आधार पर मानव समीपस्थ चिंपैंजी है। यह 1.3 मिलियन वर्ष पूर्व एक दूसरे से मायोसीन में अलग हुए। मनुष्य व चिंपैंजी 99.99 DNA समान है। इसके अतिरिक्त गुणसूत्र संरचना भी एक समान है। मानव में 46 परंतु चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 43 है, निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु होता है, तो यह बी ऑप्शन क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड जल को जीवाणु मुक्त करने में उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनेशन कहते हैं। यह रसायन मुक्त क्लोरीन की तुलना में दोहरी प्रभावी है। यह संक्रमण रोधी जीवाणु नाशक रसायन है। 144 है, मस्तिष्क जिम्मेदार है इन तीनों के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। मनुष्य का मस्तिष्क शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। सेरेब्रम में विचार गतिविधियों का नियंत्रण होता है। सेरेबेलम संतुलन बनाए रखता है। मेडुला ओब्लॉन्गेटा द्वारा हृदय गति पर नियंत्रण रखा जाता है। यह भाग श्वसन, रक्तचाप, क्रमांकुचनी गति, भोजन निकलने, उल्टी पर नियंत्रण रखना। 145 भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है, तो ये ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हुए है, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से वातावरण से पौधा को नहीं प्राप्त होता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर पौधों को प्राप्त होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। सामान्यतः कुल लिगोमिनोसी के पौधों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। राइजोबियम लेगोमिनोसेरम सहजीवी जीवाणु के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोसोम्स नाइट्रोवेक्टर मैदा में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। 147 निम्नलिखित में किस रूप में सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन विटामिन ए वर्णांधता, ये गलत है। थायमिन बेरीबेरी एस्कोरबिक अम्ल स्कर्वी विटामिन की रक्त जमना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से वर्णांत नहीं होता है। यह एक्स गुणसूत्र में जीन में परिवर्तन के कारण होता है होने वाली अनुवांशिक बीमारी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, केरोटो, मिलेशिया आदि बीमारियां हो जाती हैं। वर्णांतता स्त्रियों में पुरुष की तुलना में कम होती है क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र पर होने पर स्त्रियां इस रोग का वाहक होती हैं। पुरुषों में एक्स पर उपस्थित होने पर यह रोग पाया जाता है। 148 ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो डी ऑप्शन श्वेत रक्त कोशिकाओं की। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसमें शरीर में होने वाले संक्रमण को रोकने की क्षमता प्रभावित होती है। यह रक्त मज्जा में प्रारंभ होता है। यह अनुवांशिक वातावरणीय कारणों से हो सकता है। धूमपान, विकिरण व कुछ रसायन भी इस रोग के कारण होते हैं। 149 जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है, तो सी ऑप्शन एनोरेक्सिया नर्वोसा पाचन तंत्र से संबंधित एक बीमारी है। इसमें मनुष्य वजन बढ़ने के डर से खाना छोड़ देता है। इसमें वजन बढ़ने से रोकने के लिए मनुष्य कम खाना, चयनित भोजन लेना तथा अत्यधिक व्यायाम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्टियोपोरोसिस, जनन क्षमता का ह्रास होना, हृदय क्षति जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तथा इससे महिलाओं में मासिक चक्र भी रुक जाता है। 150 है, मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओ समूह में किसी प्रकार से प्रतिजन रक्त कणिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, इस कारण यह रक्त समूह सर्वतिक दाता कहलाता है। परंतु ए बी समूह में ए बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं परंतु प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं। इस रुधिर वर्ग के व्यक्तियों में किसी भी वर्ग के मनुष्य का रक्त चढ़ाया जा सकता है। यह सर्वग्राही
रुधिर वेग होता है ए प्लस ए ए ए प्लस ए प्लस तथा ओ प्लस रक्त ग्रहण कर सकता है तथा बी प्लस तथा ओ माइनस से रुधिर ग्रहण कर सकता है। प्लस या माइनस चिन्ह आर एच कारण उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करता है। तो दोस्तों ये था यूपीपीसीएस 2016 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूपीपीसीएस 2017 का सामान्य अध्ययन का पहला पेपर, उसे सॉल्व भी करेंगे। चलिए तो इसे यहीं रोकते हैं।